वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टॉपिक में पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2018 के अटेम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है कीवी लिमिटेड। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। बाकिर एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर एट कीवी लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी एंड रिपोर्ट टू शाहिद एफ सी ए फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज द सी एफ ओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशूएंस ऑफ के एल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018, यानी जो आपकी डेट ऑफ ऑथराइजेशन है उस दिन तक चीजें फाइनलाइज हो रही होती हैं, जहूर अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ बाकिर एंड शाहिद, यानी दोनों का वो दोस्त है, इन्फॉर्म बाकिर दैट शाहिद हैज रेकमेंडेड हिम टू परचेज के एल यानी कीवी लिमिटेड जिस कंपनी में काम करते हैं उसके शेयर एज हायर ई पी एस इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर। जहूर आल्सो साउट बाकिर एडवाइस ऑन दिस मैटर। तो अब इसमें देखें दो इशूज हैं, एक तो बाकिर से जो पूछा गया है, तो बाकिर के लिए बड़ी एक कह लें कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि एक तो उससे गलत काम के लिए कहा जा रहा है, एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन के लिए कहा जा रहा है, दूसरा ये कि उसकी नॉलेज में ये आया है कि उससे भी सुपीरियर लेवल पर जो उसके बॉस हैं और हु इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने नॉन कंप्लायंस की है कोड ऑफ एथिक्स की, ये डिस्क्लोजर करके कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच की है और ये प्रोफेशनल बिहेवियर के भी अगेंस्ट है। इससे ऑब्वियसली जो है प्रोफेशन की जो रिप्यूट है उसके ऊपर सवाल उठता है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ शाहिद मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आई कैप कोड ऑफ एथिक्स, आल्सो स्टेट द पोटेंशियल थ्रेट्स दैट बाकिर मे फेस इन द अबव सर्कमस्टांसेस एंड हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड। तो बेसिकली हमें अपने आंसर में ये तीन पॉइंट्स कवर करने हैं, ब्रीच, पोटेंशियल थ्रेट्स एंड रिस्पॉन्ड। पोटेंशियल थ्रेट और रिस्पॉन्ड जो है वो हम बाकिर के एंगल से देख रहे होंगे, ब्रीच हमने शाहिद के एंगल से देखे हैं जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रीच बाय सीएफओ मिस्टर शाहिद की, तो ही ब्रीच्ड टू प्रिंसिपल्स। पहला तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर है कि आपने रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करना होता है और कोई भी ऐसा एक्शन जो कि प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करे उसे अवॉइड करना होता है। तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि लॉ की जो है खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि एक वैसे तो ये जनरली भी देखें प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट करता है कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो अपनी एंटिटी की आउटसाइडर्स के साथ, और खासतौर पे वो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। फिर लॉ भी इसमें देखें तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग की डोमेन में आती है बात, और जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन जिन लोगों के पास है सीनियर पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली इनसाइडर कंसीडर होंगे और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइस सेंसिटिव है ईपीएस से रिलेटेड, तो ये इनसाइड जो है इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रीट होगी। और ये सिक्योरिटीज एक्ट में भी बना है, इसके अलावा भी बहुत सी गाइडलाइंस हैं इस पर जिसमें ये जो है एक ऑफेंस बनता है बाकायदा। सो अकॉर्डिंग टू जहूर अगर हम देखें तो शाहिद ने ये इन्फॉर्मेशन इनसाइड इन्फॉर्मेशन रिवील कर दी है जो कि रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस है और इससे प्रोफेशन डिस्क्रेडिट भी होता है, तो ये प्रिंसिपल एक डेफिनेटली ब्रीच हो रहा है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है कि इवन लॉ एंड रेगुलेशन इस सिलसिले में ना भी हों तो जो एम्प्लॉयर से रिलेटेड आपके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी एम्प्लॉयर के साथ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप के थ्रू आई है, उसे ना आप अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं ना आप थर्ड पार्टीज के एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अपने दोस्त के एडवांटेज के लिए यूज़ करना भी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच है। तो ये क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त के लिए शेयर किया तो ये प्रिंसिपल वो ब्रीच कर रहे हैं। अब मिस्टर बाकिर की तरफ आते हैं। तो जो थ्रेट मिस्टर बाकिर फेस कर रहे हैं उसमें एक तो इंटिमिडेशन थ्रेट है कि अगर वो ये मैटर अब रेज करते हैं और ऑब्जेक्शन रेज करते हैं इस पर तो अपने जो बॉस की तरफ से वो सी एफ ओ उन्हें जो है वो कुछ रेजिस्टेंस और प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करने पड़ सकते हैं। तो एक तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट वो फेस कर रहे हैं, दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है क्योंकि उनका खुद की भी फ्रेंडशिप है मिस्टर जहूर के साथ जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो अगर वो उन्हें डिस्क्लोज करने से इनकार करते हैं या कंफर्म करते हैं या डिनाई करने से इनकार करते हैं दोनों सूरतों से, तो फिर वो ये होगा कि उनका जो अपना फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप है वो एट स्टेक होगी। तो इस इशू में इन्हें रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, पहली बात तो ये कि ये बड़ा क्लियर है कि कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच अगर शाहिद ने कर दिया तो बाकिर को तो नहीं करनी चाहिए, तो ही शुड रिफ्रेन हिमसेल्फ फ्रॉम डिस्क्लोजिंग एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू हिज फ्रेंड। तो वो उसको कन्वर्सेशन को जो है अवॉइड करें, फर्दर ना कन्फर्म करें ना डिनाई करें, और जो है उसके बाद उसको इशू को जो है रेज करें शाहिद के साथ कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, और अगर कोई रेमिडियल एक्शन बनता है जो नॉन कम्प्लायंस को अब एक नॉन कम्प्लायंस हो गई है तो उसको डिस्क्लोज किया जाए, उसमें जो रेलिवेंट इम्पैक्ट्स हैं उनको कंसिडर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल
कंपनी के रेलिवेंट बोर्ड्स को बताया जाए, उसके जो कंसिक्वेंसेज हैं वो शाहिद को फेस करने चाहिए, साथ ही जहूर को जो है बाकायदा इन्फॉर्म करना चाहिए कि एक नॉन कंप्लायंस हो रही है एंड ही शुड नॉट बाय एनी शेयर एंड ही शुड नॉट डिस्क्लोज दिस इन्फॉर्मेशन फर्दर। फिर ही शुड कंसिडर इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, ऑडिट कमेटीज, चीफ एग्जीक्यूटिव और इवन जो दूसरी अथॉरिटीज हैं जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वगैरह है, तो वहाँ पर भी और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अथॉरिटीज़ के बारे में भी देखना चाहिए, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो इस तरह के इश्यूज़ को जो है प्रॉपर प्लेस पर रेज करना पड़ेगा और ख़ास तौर पर इसमें फिर कॉन्फिडेंशियलिटी की गाइडेंस को जहन में रखते हुए करना पड़ेगा। फर्दर इस सिचुएशन को डील करने के लिए जो लीगल एडवाइस है वो अपने लीगल एडवाइजर से भी बाकर हासिल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।